मैंने ये चेंज मैंने नहीं किया था, जो सच्चाई थी वो मैंने आप सबको बताई है, क्योंकि कोई भी जो सेट पे हुआ था, क्योंकि उस गाने को मैंने रिप्लेस किया था तनुश्री दत्ता के गाने को, मुझे 104 बुखार था, रातों रात मुझे गणेश आचार्य जी का फ़ोन आया कि राखी तू अभी के अभी आ जा सेट पे, मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या बोल रहे, तो मैंने कहा क्या मास्टर जी, बोलते गाना करना है फटाफट, अब तेरे हाथ में है, प्रोड्यूसर जिंदा रहेगा या मर जाएगा तेरे हाथ में है। मैंने कहा मास्टर जी क्या बोल रहे हो, तो मास्टर जी की बात सुनी मैंने, इमिडिएटली मैं गई सेट पे, सेट पे जाके देखा तो ये सब तमाशा हो रहा था, ये वैन के अंदर थी, वैनिटी वैन थी। आप किसी को भी, वो जितने भी 500 स्टाफ थे वहां पे पूछ सकते हो कि ये वैनिटी वैन में 5 घंटे तनुश्री दत्ता लॉक करके बैठी थी अपने आप को, 10 साल पुरानी बात है ये। ये बोलते ये वैनिटी वैन से बाहर ही नहीं निकल रही है, ये अंदर डोप ले कुछ डोप है, ड्रग्स है, भगवान जाने क्या लिया हुआ था, फुल हाई थी, दरवाजा खोल नहीं रही थी, उसका मेकअप मैन भी दरवाजा ठोक रहा था, वैन वाला भी अंदर से चारों लॉक लगा दिया, हालांकि वैन वालों को अंदर कुछ एक मिडिल में ग्लास लगाना चाहिए, ऐसा कोई आर्टिस्ट अपने आप को लॉक कर दे तो वो तोड़ के अंदर जा सकता है, लेकिन ये 5 घंटे तक बाहर ही निकली नहीं, अंदर से लॉक कर दिया। सेट लगा हुआ, 100 डांसर 100 डांसर्स थे, पूरा टेक्नीशियन था, इतने सारे लोग थे, यूनिट तो आप समझते हो, इतना बड़ा ह्यूज सेट लगाया हुआ था, करोड़ों का सेट था, और वो एक दो दिन के लिए लगाया, एक दिन पहले उसने शूट किया और वो फिर कुछ लंच ब्रेक था या क्या था पता नहीं, लंच ब्रेक के बाद सब हुआ था, यू नो मॉर्निंग में आके थोड़ा शॉट दिया, फिर लंच ब्रेक के बाद शायद कुछ हुआ था, लंच ब्रेक था डिनर था, आई डोंट रिमेम्बर उतना, तो इसने अपने आप को लॉक कर दिया था अंदर, उठ ही नहीं रही थी, लोग असिस्टेंट गए। ये इतना लेट क्यों आ रही है, मैं देने वाली नहीं हूँ ये, तो वहाँ पे असिस्टेंट डेजी शाह उस टाइम पे असिस्टेंट थी मास्टर जी की, वो गई बुलाने, दरवाज़ा नहीं खोला, एडी गए बुलाने, दरवाज़ा नहीं खोला, उसने कितने लोगों ने जाकर दरवाज़ा खटखटाया और तनुश्री दत्ता दरवाज़ा ही नहीं खोल रही है, लॉक मार के अपने आप को बैठी अंदर। मास्टर जी ने बोला कि भैया मुझे जाना है, फटाफट गाना करते हैं, सेट लगाया हुआ है, प्रोड्यूसर रो रहा है, इतना बड़ा सेट लगाया हुआ है, दरवाज़ा मैडम दरवाज़ा ही नहीं खोल रही है, सच बात है ये जो अभी मनगढ़ंत कहानी आके बता रही है झूठी, मुझे छेड़ा, मुझे यहाँ लगाया हाथ, मुझे वहाँ लगाया, झूठ है। ये लिटरली झूठ है, कोई भी वहां पे राज ठाकरे के लोग बंदे थे ही नहीं, वहां पे हेयर मेकअप वाले दरवाजा ठोक रहे थे, यूनिट वाले दरवाजा ठोक रहे थे, और एक प्रोड्यूसर को चिंता होता है ना यार, या आर्टिस्ट 1 घंटा दरवाजा नहीं खोल रही है, 2 घंटे नहीं खोल रही, हुआ क्या है, हार्ट अटैक आ गया, कुछ हो गया, एक होता है नॉर्मली, जरूरी नहीं कि इंसान बूढ़ा होता तो ही हार्ट अटैक आता है, यू नो जरूरी नहीं है, तो दरवाजा तो ठोकेंगे ना, कि भैया आर्टिस्ट को बोलेंगे नहीं कि बाहर आओ, वो यूनिट वाले ही थे, यू गॉट इट। ये सरासर इल्जाम है नाना पाटेकर जी पर, गणेश आचार्य पर, सरासर तनुश्री दत्ता पागल हो गई है, सठिया गई है, साइको हो गई है, 10 साल कोमा में थी, कोमा से उठकर आई है। मैं किसी के लिए, महिला के लिए ऐसा बोलूं मुझे अच्छा नहीं लगता, आई रिस्पेक्ट विमेन्स, लेकिन ये तनुश्री दत्ता 10 साल के बाद यहाँ पे अमेरिका से आके उल्टियाँ कर रही है, क्योंकि उसके बैंक अकाउंट में से पैसे खत्म हो गए, कुछ काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आके नाना पाटेकर जी को ब्लेम कर रही है, गड़े मुर्दे उखाड़ रही है, जिसका कोई लेना देना ही नहीं है, और ऐसा हुआ ही नहीं था, अगर ऐसा हुआ होता तो मैं नाना पाटेकर जी के साथ, मेरा गाना आप देखिए ना, देखा आप लोगों ने गाना, देखा आपने वो गाना, दिखाओ, मैंने गाना किया है, मुझे तो थोड़ा भी नहीं छुआ, डुएट सॉन्ग था, सोलो सॉन्ग था ही नहीं यार, एक सेकेंड, मुझे तो दिखाना ही पड़ेगा पब्लिक को, ये पब्लिक को दिखाना ही पड़ेगा। मैम आप बोल रहे कि आपने विटनेस किया है,
म्यूजिक बोला है और बॉलीवुड पूरे बहुत सारे लोग एक्टर्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये देखिए गाना, प्लीज ये गाना देखिए, नथनी उतारो। नाना पाटेकर साहब जी और राखी सावंत, मैं 104 बुखार था मुझे, लेकिन मैंने फिर भी डांस किया है। 104 बुखार था, लेकिन एक प्रोड्यूसर की जान बचाने के लिए। एक प्रोड्यूसर की जान बचाने के लिए मैंने ये गाना किया। हालांकि गाना मुझे भी नहीं पसंद था, लेकिन मैंने ये गाना किया। बट साथ साथ आप जो बोल रही हैं, क्या आप कुछ प्रेस रिपोर्टर के बारे में कुछ जर्नलिस्ट जो थी उन्होंने भी बोला कि उन्होंने भी विटनेस किया है। और क्या जर्नलिस्ट, एक मेरा आपके सवाल को, मैं आपके जर्नलिस्ट थी उसने विटनेस दिया, मतलब जर्नलिस्ट यहाँ खड़ी है और नाना पाटेकर ने तनुश्री दत्ता को छेड़ा। नहीं नहीं नहीं, आप पहले बता, पहले एक बात का जवाब दीजिए। एक रिपोर्टर कैमरा लेके यहाँ खड़ी है, ठीक है, एक रिपोर्टर कैमरा लेके खड़ी है, नाना पाटेकर उसको छेड़ रहे हैं, मतलब हम आम इंसान जो है, हम लोग जो सेलिब्रिटीज और आम इंसान सब झूठे हैं और मीडिया, एक रिपोर्टर सच्ची है क्या? उसने अपनी न्यूज बनाने के लिए हाँ नहीं बोला, मतलब वो ऐसा क्या था कि वो एक रिपोर्टर वहां पे थे, दूसरा मीडिया वाले नहीं थे? ऐसा क्या था तनुश्री दत्ता में और वो रिपोर्टर में? वो लड़की वहां थी, लड़की थी जेनिस, जेनिस को मैं जानती हूं, मैं जेनिस को बुलाओ मीडिया में और पूछो क्या जेनिस आज तक में थी ना, हेडलाइंस आज तक में थी, हाँ दोनों देखा राउंड फेस ना जेनिस, आई नो। सो जेनिस को पूछते हैं कि जेनिस फ्रंट ऑफ यू नाना पाटेकर ने तनुश्री दत्ता को छेड़ा, हाथ लगाया, क्या आप कोर्ट में आकर गवाही दे सकती हैं? नहीं, आप यहां पे माइक लेकर यहां पे से बोले, देखो रिपोर्टर का काम है बोलना, दिखाना, क्या उसके सामने तो नहीं हुआ ना? और नाना पाटेकर जी के इतने बेवकूफ है कि तनुश्री दत्ता को मैं किसी रिपोर्टर के सामने छुएंगे क्या? इतने है फिर क्या बात कर रहे हो? कितना टाइम लगता है ऐसे मैटर बनाने के लिए? मतलब आप क्या कहते हो कि मतलब बॉलीवुड वाले झूठे हैं और वो एक रिपोर्टर सच्ची है? उसने अपना न्यूज बनाया होगा, अपनी आंखों से नहीं देखा ना? आपको पता है आप किसी की जिंदगी को खराब कर रहे हो। आप नाना पाटेकर की जिंदगी जो कहां से कहां शुरू हुई है, इतने लेजेंड है बॉलीवुड के, उन्होंने अपना पूरा समय दिया, अपना वक्त दिया और अपना पूरा, कितने अच्छे अच्छे काम करते हो आपने देखा है नाना पाटेकर जी? एक झटके में एक पागल लड़की, साइकोपैथ तनुश्री दत्ता जैसी लड़की आके नाना पाटेकर की जिंदगी को खराब कर देगी, राज ठाकरे की जिंदगी को खराब कर देगी, गणेश आचार्य की जिंदगी को खराब कर देगी। मेरे बारे में तो उसने बकवास करी है, आई रियली डोंट केयर, आई गिव अ शिट, क्योंकि वो शिटी है तनुश्री दत्ता, शी इज अ शिट। वो कहती है कि मेरे गाने को किसने रिप्लेस किया? राखी सावंत, मतलब वो चाहती है कि उसके गाने को ऐश्वर्या राय आके रिप्लेस करे। अगर एक आइटम सॉन्ग है तो एक आइटम गली आएगी ना। एक्सक्यूज मी, आर यू साइको? यू हैव गॉन मैड? आर यू क्रेजी? यहां पे मीडिया के सामने आके अंग्रेजी में भाड़ कर रही है, इसका मतलब यह कि मीडिया उसको सपोर्ट करती है जो अंग्रेजी में बोलते हैं वो सच सच लग रहा है, और हम हिंदी में बकवास कर रहे हैं यहां पर वो झूठ है। शरीफ इंसान नाना पाटेकर जी आके मीडिया को जवाब नहीं दे रहा, मतलब वो गलत है। Am I right? किसने? या नाना, मैं वहां पे मौजूद हूँ। वो जब अंदर वैन में बंद थी या ड्रग लेके 4 घंटे सो गई थी, जब आप ड्रग लेके तो कोई इंसान डांस नहीं कर सकता, वो पता नहीं अपने आप में ही रहता है। हे, इसका ब्लड चेक कब कराओ मीडिया वालों? इसका 3-4 महीने का रिपोर्ट निकालो। आई एम टेलिंग यू,
राखी सावंत ये भारत छोड़कर चली जाएगी, इसका ब्लड चेकअप कराओ, शी इज अ ड्रग एडिक्ट। क्या बात करती है मीडिया में आके, ऐसे ऐसे करती है। हेलो, हमें यहाँ पे किसी मीडिया में कोई ऐसे बात करता है क्या? ये आज मैं यहाँ इसलिए आई हूँ, आज मैं इसलिए यहाँ पे आई हूँ, मैं जवाब देने के लिए आई हूँ, वरना मैं मीडिया में नहीं आना चाह रही थी। और ना मैं आजकल मीडिया में जवाब इंटरव्यू देती हूँ, मेरा इंस्टाग्राम मेरा फेसबुक मस्त, अगर मुझे किसी को जवाब देना मैं वहाँ से करती हूँ, मैं नहीं आती हूँ। लेकिन हर मीडिया वाला मुझे फ़ोन कर रहा था, इसलिए मैं आके बता रही हूँ। बॉलीवुड में भी राखी सावंत जिंदा है ना, प्रोड्यूसर बन गई हूँ, राखी सावंत प्रोड्यूसर बन गई है, कुछ फिल्में कर रही हूँ, कुछ नहीं भी कर रही हूँ, जो मेरी झोली में आ रहा है मैं कर रही हूँ, जो नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है। मैं प्रोड्यूसर बन गई हूँ, मैं मराठी हिंदी भोजपुरी फिल्में बनाती हूँ, लेकिन हूँ। और बॉलीवुड के खिलाफ कोई जाएगा, ज़बरदस्ती इल्ज़ाम लगाएगा, ज़बरदस्ती किसी शरीफ इंसान को घसीटेगा, उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, चाहे ये तनुश्री दत्ता हो चाहे कोई भी हो। तनुश्री दत्ता तेरे में हिम्मत है, मेरे सामने आ, तेरे कान के नीचे ऐसा चमाट लगाऊंगी ना, जो फड़फड़ 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 बोल रही है, तुझे लगा मैं तो अमेरिका में रहती हूँ, मैं तो यहाँ पे विजिट आई हूँ, अरे भुक्कड़, तेरे पास अमेरिका में तेरे को कोई खड़ा नहीं कर रहा। वहाँ पे बिंदु नाम की अमेरिका में मेरी एक फ्रेंड है, उसके घर में ये रहती थी, एक डेढ़ महीना रही, वहाँ पे भी इतना ड्रग्स लेती थी तो बिंदु को उसको घर से निकालना पड़ा, घर से बाहर नहीं जा रही थी, इसका सामान फेंका घर से बाहर अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, बताओ। ये वहां पे जाके भिखारन रोड पे भीख मांगती है, अमेरिका अमेरिका कर रही है। भरत गोराडिया इसका मैनेजर है अमेरिका में, मैं अमेरिका गई थी डेढ़ महीना रही थी, मैंने सब देखा है। क्या होम अलोन, क्या बोलते हैं होम अलोन, क्या बोलते हैं वो जो सड़क सड़क पे जिनका घर बार नहीं होता, होमलेस, ये होमलेस है वहां पर, सबके घरों में रहती है। और ये सुट्टा मार, वहाँ पे तो अंग्रेज लोग किसी को पूछते भी नहीं, चार पांच दिन तो सड़क पे भी सोई है तनुश्री दत्ता अमेरिका में, पता है आप लोगों को? अमेरिका का नाम लेके ये आप लोगों को धमका रही है मीडिया वालों को। नहीं नहीं नाना पाटेकर ने माधुरी जी के साथ काम किया, बहुत सारी हीरोइनों के साथ काम किया, मैं लकी हूँ कि मेरे साथ भी काम किया, हम लोगों को तो नहीं छुआ। नाना पाटेकर जो आता ये ऐसा ऐसा सब करते हैं ना, ये फिल्मों में वो एक्टिंग है, रियल में सीधे साधे साधारण इंसान है, जो ज़्यादा बोलते भी नहीं है, अपने हाथों से गणपति बनाते हैं, अब पूजा करते हैं, ये इतने चित्रकार है, क्रिएटिव है, टैलेंटेड है, अच्छे डायरेक्टर है, अच्छे एक्टर है, तो उनको लगता है कि तो इनको लगा कि मेरी लास्ट फिल्म उसके साथ थी तो मैं बॉलीवुड में आने के लिए नाना पाटेकर को टारगेट करूँ, क्योंकि उसकी लास्ट कॉन्ट्रोवर्सी वही थी, आप समझ रहे हो। ये देखो फोन आ रहा है, मैं मीडिया में नहीं आना चाहती हूँ, मुझे बोलने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मैं अपने बॉलीवुड को सपोर्ट करने के लिए आई हूँ नाना पाटेकर जी को, अपने आप को, क्योंकि मैं अगर खामोश रहूंगी तो एक शरीफ इंसान बदनाम हो जाएगा, समझ रहे हो, इसलिए मैं आई हूँ यहाँ बोलने के लिए। So, राखी, आपकी बात पे एग्री करते हैं, बट बॉलीवुड का बहुत बड़े बड़े